बिहार के 61 दंपत्ति स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का बनेंगे विशेष मेहमान। देश में आकांक्षी प्रखंड की संख्या 500 है, जिसमें बिहार के 61 प्रखंड शामिल हैं। इन्हीं 61 दंपत्ति का चयन लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का विशेष मेहमान बनने के लिए किया गया है। प्रत्येक वर्ष देश के प्रधानमंत्री दिल्ली के लाल किले से तिरंगा झंडा फहराते हैं। इस समारोह में देश ही नहीं विदेश के मेहमान भी शिरकत करते हैं। कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गेस्ट के तौर पर निमंत्रण दिया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में बिहार के 61 दंपत्ति प्रधानमंत्री मोदी के विशेष मेहमान बनने वाले हैं। बता दें कि बिहार के प्रत्येक आकांक्षी प्रखंड से एक एक लाभार्थी दंपत्ति को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। देश में आकांक्षी प्रखंड की संख्या 500 है, जिसमें से बिहार के 61 प्रखंड शामिल हैं। इन्हीं 61 प्रखंडों से 61 दंपत्ति का चयन लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी का विशेष मेहमान बनने के लिए किया गया है। दंपत्ति के गांव वाले विशेष उपलब्धि बता रहे हैं, वहीं दंपत्ति भी काफी खुश हैं। 12 अगस्त को दिल्ली पहुंच जाएंगे दंपत्ति। ये दंपत्ति 12 अगस्त को ही दिल्ली पहुंच जाएंगे और 16 अगस्त तक विशेष मेहमान के तौर पर समारोह में शिरकत करेंगे। इनकी यात्रा, भोजन, आवास आदि का खर्च नीति आयोग वहन करेगा, जिसके लिए योजना एवं विकास विभाग की तरफ से चयनित दंपत्तियों की सूची नीति आयोग को भेज दी गई है। आकांक्षी प्रखंडों में चलाया जा रहा विशेष अभियान। बता दें कि आकांक्षी प्रखंडों का चयन कर उन प्रखंडों में नीति आयोग के तरफ से संपूर्णता अभियान चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य 4 जुलाई से 30 सितंबर तक 6 चिन्हित संकेतकों में संतृप्त करना है। इसमें गर्भवतियों की देखभाल एवं पूरक पोषण दिया जाना, सभी बच्चों का टीकाकरण, प्रत्येक व्यक्ति की मधुमेह एवं उच्च रक्तचाप की जांच, किसानों के बीच मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण, स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना आदि शामिल हैं।